मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो मंडल ले के रहेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक छीन के लेंगे अपना हक मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में लागू है, लेकिन हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में हमें सिर्फ 4% दिया जा रहा है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर 27% लागू होनी चाहिए। और दूसरा, हमारी जनगणना है जो जात के आधार पर होनी चाहिए। यहाँ कोई कहता है 2% है, कोई कहता है 4% है। हम चाहते हैं, क्योंकि ये जो जनगणना जानवरों की हो रही है, गाड़ियों की हो रही है, कबूतरों की हो रही है, पक्षियों की हो रही है, हर चीज़ की हो रही है, तो ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं होती? हम चाहते हैं कि इनकी जनगणना हो, पता चल जाए कि कितने इनकी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से हमें जो देनी है अपना हक वो मिल जाए। क्योंकि 1931 के बाद आज तक सेंसस नहीं हुई, तो हम चाहते हैं कि हमारी जात के आधार पर सेंसस होनी चाहिए। और दूसरा, हमें अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम में हमारे लिए आर्टिकल 243(d)(6) और 243(d)(6) में लिखा है, तो वहाँ पर इनको रिजर्वेशन होनी चाहिए। लेकिन आज तक 70 साल हो गए, 70 साल बीत गए हैं। हमें अफसोस से कहना पड़ता है, जो भी गवर्नमेंटें हुई हैं आज तक, हमें अपने हक से वंचित रखा गया है। हम चाहते हैं कि हमें जो ये जो 6 के तहत अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम में हमें जो रिजर्वेशन है वो मिलनी चाहिए। आज घूम कर लखनपुर से लेकर अब पुंछ तक चले जाइए, आज तक एक भी हमारा सरपंच पंच नहीं मिलेगा। तो हम चाहते हैं कि ये जो रिजर्वेशन है हमें, हमारा हक हमें मिलना चाहिए। हम और हमें आज तक हम हमारे बच्चों को हमारे बच्चों को आज तक वंचित। हम चाहते हैं ये जो 27% रिजर्वेशन है अचूबा में मिलनी चाहिए, लेकिन आज तक जो हमारा हम इसमें ये गवर्नमेंट है थोड़ा बहुत इन्होंने किया है। आज तक जो हमारा क्या डिमांड करने का सर, क्या डिमांड सर? डिमांड हमारी यही है कि हमें 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में मंडल कमीशन का 27% दिया था, हर सुबह में हमें 27% दिया जाए। और जो ये जो अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज सिस्टम में हमें 27% जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए।